हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पबजी पुजारी। तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आप सबके बीच एक और नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जो आपको सेटिंग में देखने को मिल जाएगी। एंड दोस्तों, ये वाले ऑप्शन से आपके एम एंड क्रॉस हेयर में क्या डिफरेंट पड़ने वाला है, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उस सेटिंग को जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मैं अब सेटिंग में आपको वो वाला ऑप्शन दिखा देता हूँ। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों, आपको एडवांस कंट्रोल वाले ऑप्शन पे टैप करना है और फिर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है दोस्तों। और नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन वाला ऑप्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जो अभी डिसेबल है दोस्तों। तो आप में से कुछ बंदों को यह वाला ऑप्शन का यूज़ पता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं आज इस वीडियो में इसका एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस ऑप्शन को दोस्तों आपको इनेबल रखना चाहिए या डिसेबल रखना चाहिए, और इस ऑप्शन से आपके गेम प्ले में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। तो अभी ये वाला ऑप्शन हमारा इनेबल है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि हमारा क्रॉस हेयर इस सामने वाले बोर्ड पर हमने सेट कर लिया है दोस्तों। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अपने स्क्रीन पे राइट साइड में मैं स्क्रीन को फर्स्ट वाले रेड लाइन से सेकेंड वाले रेड लाइन तक स्वाइप कर रहा हूँ, और हमारा क्रॉस हेयर कितना डिस्प्लेस हो रहा है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 70 मीटर के बोर्ड तक हमारा क्रॉस हेयर मूव हुआ है दोस्तों। तो राइट में ये आपको जो हाईलाइटेड दो लाइन मिल रहे हैं ना दोस्तों, जब मैं इतना स्वाइप कर रहा हूँ स्क्रीन को, तब जाके हमारा क्रॉस हेयर 10 मीटर वाले बोर्ड से 70 मीटर वाले बोर्ड तक जा रहा है दोस्तों। बट ये मैं स्लोली कर रहा था, और अब मैं दोस्तों आपको यही वाली प्रोसेस फास्ट तरीके से करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, मैंने अपने स्क्रीन को उतना ही स्वाइप किया जितना पहले किया था, पर यहाँ पे मेरा एम कितना ज़्यादा मूव कर गया। मैं आपको ये प्रोसेस वापस करके दिखाता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपने स्क्रीन पर उतनी ही ज़्यादा स्वाइप की थी जितनी पहले की थी, पर यहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना ज़्यादा कवर हुआ। बट ये मैंने फास्ट की थी, इसलिए मेरी एम इतनी ज़्यादा मूव कर गई दोस्तों। अगर आप लोग इस वाले फीचर को इनेबल रखते हो, तो आप जितना ज़्यादा अपने स्क्रीन पे स्वाइप करोगे हॉरिजॉन्टली, आप लोगों की स्क्रीन उतनी ज़्यादा फास्ट मूव करने वाली है। और अब मैं इस ऑप्शन को आपको डिसेबल करके दिखाऊंगा कि हमारे गेमिंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों अपने स्क्रीन पर, यहाँ पर हमारा उतना ही डिस्टेंस कवर हो रहा है दोस्तों, जितना इस फीचर को इनेबल रखने के बाद कवर हो रहा था दोस्तों। यहाँ पे हम फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन तक देखिए कैसे स्क्रीन को स्वाइप कर रहे हैं दोस्तों, और हमारा उतना ही डिस्टेंस कवर हुआ। तो डिफरेंस क्या है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो, जब आप इसको स्लोली स्वाइप करोगे ना, तो आप लोगों को उतना ही ड्रैग करना पड़ेगा जितना आपका थर्ड पर्सन कैमरा सेंसिटिविटी सेट है दोस्तों, इनेबल पे भी एंड डिसेबल पे भी। बट जब आप इसको फास्ट स्वाइप करोगे इनेबल पे, तो आप लोगों को उस टाइम अडेप्टिव सेंसिटिविटी अप्लाई हो जाती है। मीन्स आप लोगों की ये जो कैमरा सेंसिटिविटी है वो मिनिमम हो जाती है, और जब आप अपने स्क्रीन पे फास्ट स्वाइप करते हो तो वहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। तो अभी आप लोगों को ये हॉरिजॉन्टल स्वाइप एक्सेलरेशन वाला फीचर समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप लोग जितनी फास्ट अपने स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली स्वाइप करेंगे, आपका एम उतना ही ज़्यादा फास्ट मूव होने वाला है दोस्तों, जब ये फीचर इनेबल रहेगा दोस्तों। और जब आप इस सेटिंग को डिसेबल रखते हो, तो आप चाहे कितना भी फास्ट अपने स्क्रीन को स्वाइप कर ले, या फिर कितना भी स्लो अपने स्क्रीन को स्वाइप करे, आपका स्क्रीन उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना आपका थर्ड पर्सन स्कोप सेंसिटिविटी सेट होगा दोस्तों। अब आप काफ़ी कंफ्यूज हो चुके होंगे दोस्तों कि इस फीचर को आपको इनेबल रखना चाहिए या डिसेबल रखना चाहिए। तो अगर आप इस फीचर को इनेबल रखते हो या फिर डिसेबल रखते हो, तो इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैं दोनों आपको बता दूंगा इस वीडियो में दोस्तों। फिर उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को क्या बेटर लगता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको इनेबल रखने के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। तो अगर आप एक नॉन जायरो प्लेयर हैं, या फिर आप लो सेंसिटिविटी प्लेयर हो, आप लोग इसे इनेबल रखें, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है आप लोगों के लिए। वो कैसे, ये बताता हूँ आप लोगों को। सपोज सामने ये जो शूटिंग बोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक एनिमी खड़ा है, सडनली पीछे से कोई एनिमी मेरे पे शूट करने लगता है, देन मैं अपनी एडीएस को काफ़ी इजीली वन स्वाइप में 180 डिग्री टर्न करके उस बंदे को मार सकता हूँ। एंड इसकी सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर आपकी मोबाइल की स्क्रीन छोटी हो, तो आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। मीन्स स्क्रीन पे ज़्यादा स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ी सी स्वाइप में ज़्यादा टर्न पा सकते हैं, ज़्यादा मूव पा सकते हैं अपने क्रॉस हेयर की, अपने एडीएस की गन की। एंड अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो दोस्तों जब आप कभी भी पैनिक सिचुएशन में रहते हो ना, तो आपका हैंड कभी फास्ट मूव हो जाता है या फिर कभी स्लो मूव हो जाता है।
तो उस टाइम पे अगर आपका ये वाला ऑप्शन इनेबल रहेगा दोस्तों, तो आपका एम चोप होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों की एम चोप होगी एंड आप लोग सही से एम ट्रांसफ़र और ये स्विच वगैरह नहीं कर पाओगे।